बच्चों सुप्रभात। आशा के ऑनलाइन क्लास में आप उपस्थित होंगे। आज हम पाचन तंत्र के अध्याय में ही यकृत के बारे में पढ़ेंगे कि लीवर हमारे शरीर में किस तरह से काम करता है या क्या कार्य करता है। हमने पिछले कक्षा में पढ़ा है यकृत की रचना और सभी कुछ देखा है, तो आज हम यकृत के कार्य के बारे में पढ़ेंगे। यकृत पित्त रस बनाता है, यकृत पित्त रस बनाता है जो चिकने पदार्थों के पाचन से पाचन में मदद करता है। क्या करता है? पदार्थों के पाचन में मदद करता है। अधिक कार्बोज तत्वों का सेवन किए जाने पर उसमें निर्मित शक्कर ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में संचित करता है। जब भी शरीर उष्णता और शक्ति के लिए जरूरत होती है हमें, तो ग्लाइकोजन से पुनः ग्लूकोज बनकर शरीर को रक्त मार्ग तक पहुंचाता है। और लीवर हमारे पेट में जो लीवर है उसके कार्य के बारे में हम पढ़ रहे हैं। शरीर की विभिन्न पेशियां प्रोटीन की बनी होती हैं। उनके नष्ट हो जाने पर यूरिया और यूरिक एसिड जैसे उत्सर्जन हेतु में लाए जाते हैं। फिर भोजन के साथ अतड़ियों में भी पहुंचे हुए भोजन का विषैले पदार्थों में नष्ट करते हैं, है ना। फिर यह लोह तत्वों का संग्रह करके लाल रक्त के हीमोग्लोबिन के कणों का कणों को बनाने में सहायक होता है। यकृत भोजन की कैरोटीन पीले पदार्थों से जीवन सत्व या विटामिन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं हम? जीवन सत्व या विटामिन, विटामिन। और यकृत भोजन के कैरोटीन पीले पदार्थ और जीवन सत्व यानी ये विटामिन कहते हैं इसको। क्या बोलते हैं? विटामिन, विटामिन ए विटामिन बी जैसे होता है ना, उसी को ही हम ये जीवन सत्व बोलते हैं। सूर्य की किरणें जीवन सत्व डी विटामिन डी, यहाँ पर क्या आया? ये विटामिन डी, विटामिन डी के निर्माण में सहायक होता है। यह रुगाणुओं को भी नष्ट करता है। यह ग्रहणी में भोजन को सड़ने से भी रोकता है। कहाँ पर रुकता है? यह भोजन को सड़ने से ग्रहणी में रुकता है। तो हमने क्या पढ़ रहे हैं हम यकृत के? यह हिपेरिन को भी श्रवण करता है। हिपेरिन नाम का एक अम्ल होता है जो उसको भी ये श्रवण करता है, और जिससे रक्त वाहिनियों में यह उसको जमने नहीं देता। किसको? रक्त को। रक्त वाहिनियों में नहीं जमने देता। और रक्त प्रोटीन फाइब्रोजन का भी निर्माण करता है। यह विषैले पदार्थ को भी कम विषैला बनाने में मदद करता है। अब हम पढ़ेंगे पैनक्रियास। पिछले में हमने पाचन क्या पूरे चित्र में ही हमने पढ़ा है कि पैनक्रियास अग्न्याशय क्या है या क्या नहीं है। आगे हम उसके बारे में थोड़ा सा और भी जानकारी में चर्चा कर रहे हैं कि जो पैनक्रियास होता है वो पाचन में मदद करने वाली है ग्रंथि है, लंबी चौड़ी और चपटी होती है, जैसा कि आप चित्र को देख रहे हैं। ये इंटरनल इसकी रचना है पैनक्रियास। फिर इसकी चौड़ाई होती है 4 सेंटीमीटर और लंबाई होती है करीब 15 सेंटीमीटर। इसका पश्च सिरा अधिक चौड़ा होता है और पक्वाशय के अधोभाग में फंसा हुआ होता है। जठर के नीचे मध्य भाग और अंतिम पूंछ जैसा दिखता है, जैसा कि ये दिख रहा है। फिर अग्न्याशय रस तैयार करता है और फिर इस रस को ग्रहणी अग्न्याशय अग्न्याशय की नली में पहुंचाता है। इसमें अग्न्याशय के रस में एम्प्लोप्सिन, ट्रिप्सिन और स्ट्रेप्सिन नामक पाचक द्रव्य जो बनता है एंजाइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? जो पाचक रस होता है उसे एंजाइम बोलते हैं। एंजाइम ये पाचन के जो हम कुछ भी खाद्य पदार्थ खाते हैं उसको पचाने में
सहायक होते हैं। वे भोजन की कार्बोज और प्रोटीन एवं वस्त्र पदार्थों का पाचन करते हैं और उपरोक्त विकृति अतिरिक्त इसमें आउटलेट्स और लैंगरेट्स होती है जो ग्रंथियां उसको ये नमक भी कोशिकाएं होती है विशिष्ट हार्मोन इंसुलिन स्रावित करती है और अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह कार्य करती है। इंसुलिन का उपयोग तैयार नहीं होता तो पेशियों में शक्कर की मात्रा बढ़ जाएगी है। अतिरिक्त शक्कर दूध के द्वारा निकलती है और एक प्रकार का रोग होता है जिसे हम मधुमेह कहते हैं। क्या बोलते हैं जिसे आजकल ज्यादातर शब्द दिया गया है डायबिटीज। डायबिटीज है ना बच्चों। उसके बाद में इंसुलिन रक्त में शक्कर की मात्रा का नियंत्रण करता है और इसकी स्थिति और रचना के बारे में बताया है कि नलिका विहीन ग्रंथि है या इसमें कोई बड़ी नलिकाएं नहीं होती। अमाशय के आधार पर लंबाई निश्चित होती है। इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर और वजन 180 ग्राम होता है। इसका संबंध पाचन से नहीं बल्कि रक्त निर्माण से होता है। जैसा कि आप ये चित्र में देख रहे हैं इसमें ज्यादा नलिकाएं नहीं होती है तो इसके लिए जाल फैले हुए होते है ना। ये पूंछ की तरह ये वाली ये क्या पढ़ा हमने बच्चों आज अग्रन्याशय की रचना और यकृत के कार्य। आपको ये सब कॉपी में लिखना है और हल करना है इसका क्वेश्चन आंसर।